और जिस कंपाउंड को खाली हम इतने टाइम से देख रहे थे, वहां पर आके फाइनली ऑटोबॉट जी अपना होम बेस बनाएंगे। उसको अभी भी हटी नहीं है, बिल्कुल एवरेज के नीचे कंपाउंड से वहां पर ही होल्ड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन WSB के खिलाड़ी थोड़े से परेशानी में आपको पा सकते हैं और एग्जैक्टली वही होगा। आदि जैसे एक प्लेयर को देखते हैं, चढ़े ऊपर, नॉकआउट किया, इंस्टेंटली फॉल बैक किए हैं वो। WSB का ये फ्लैंक काफी बढ़िया रहेगा। रेडन आगे आएंगे, एक प्लेयर को नॉकआउट करेंगे, दूसरे प्लेयर को भी नॉकआउट करने के काफी नजदीक, वो भी उनको मिल जाएगा। और साथ ही साथ हर्ष को खत्म भी किया गया है। आदि को भी देखिए, ओपन में स्पॉट आउट किया रेडन, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और एक सक्सेसफुल 1v4 भी निकाल के जाते हैं रेडन। ने बोल दिया है कि बहुत हो गया, अभी सीधा घुसेंगे हम, चार्जिंग करेंगे। क्योया एक ग्रेनेड कुक कर रहे हैं, क्लाउनी को वो आइडिया होना चाहिए, ग्रेनेड टॉस आउट करके आगे डाला जाएगा, क्योया को कोई भी डैमेज नहीं करेगा। क्लाउनी ऊपर चार्जिंग करते हैं, पहला शॉट कनेक्ट नहीं होगा। देखते हैं ये क्लोज 1v2 कॉम्बैट किस तरीके से निकाला जाएगा। कोशिश थी अच्छी, डैमेज भी डील की गई थी, लेकिन वो काफी नहीं था। पैराडॉक्स अकेले बचते हैं मेडल ईस्पोर्ट्स की तरफ से, और पैराडॉक्स के लिए यहां से टीम गॉडलाइक की फाइट, जहां पे जोनाथन वो एक ग्रेनेड गया जरूर से, जी गॉड को वहां पे डाउन किया जाएगा ज़ेरेफ के द्वारा। हमने बात भी की थी कि ज़ेरेफ एक स्टार खिलाड़ी है, लेकिन एक बढ़िया ग्रेनेड क्लच गॉड का, जहां पे ज़ेरेफ को डाउन किया गया, ज़ैप उनको मॉलोटोव से डाउन किया जाएगा। WSB पूरी तरीके से बैकफुट पर, जोनाथन एक और प्रिसाइज ग्रेनेड करेंगे और ज़ेरेफ का जो जगह पे, एंड उसके साथ साथ शैडो का ये स्प्रे भी आएगा, ज़िगॉट का ग्रेनेड उसके साथ फॉलो अप रहेगा। एक आखिरी प्लेयर बचता हुआ ज़ैप, उसके ऊपर पूरी की पूरी रिस्पांसिबिलिटी आती हुई, यूएमपी के साथ साथ डैमेज देने की कोशिश, लेकिन ये काफी नहीं रहेगा। रीलोड पे जाएगा और दूर से ज़िगॉट का ये स्प्रे आके मार्कोस गेमिंग की दिया, ज़िगॉट को भी डाउन किया गया। वीको एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी, वीकल लेके रन ओवर करने की कोशिश रहेगी जरूर, बट अब अलादीन बचे आखिरी खिलाड़ी, तो आगे गए तो गॉडलाइक मौजूद, पीछे गए तो जरूर बहुत सारे टीम मौजूद रहेंगे। जोनाथन दूर से, क्योंकि ग्रेनेड का यहां पर रेड जोन बनाया जा रहा है। जोनाथन ओपन में स्पॉट हो चुके हैं, लेकिन जोनाथन के ऊपर एक ग्रेनेड गया है, क्या उससे कनेक्शन बनेगा? जी हाँ, इतने ओपन में खड़े थे, क्या हो गया वहां समझना है मुश्किल। लेकिन फिलहाल रेकनिंग के बियर्ड बाबा एक और फॉलोअप नेट डालेंगे, चाहे तो रेकनिंग अभी पुश भी कर सकते क्योंकि उनके पास है नंबर्स एडवांटेज। क्लोजिंग करने के लिए जा जरूर है, वही दूसरी तरफ क्लच गॉड आएंगे जो कि एक नॉक निकालते हुए और वापस से थोड़ा बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश कर सकती है रेकनिंग को। इस लैक डीपीएस का बेहतर इस्तेमाल और क्लोज क्वार्टर्स में तो बेहतर हो सकता है, बट क्लच गॉड वहां पे शायद वो कवर दे सकते थे, बट लेकिन उनकी भी जो अब वेपन है वो रिलोड पे जाएगी। क्लच गॉड के करने से अभी के लिए सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी, आगे वो जाएंगे लेकिन एक प्रोन शॉट आएगा, इंस्टेंटली उनको टेक डाउन किया गया। और टीम रेकनिंग वो काफी बेहतरीन तरीके से अपने इस कंपाउंड को डिफेंड करते, उनमें से एक को नॉक करके उन्होंने जरूर फिनिश पॉइंट नहीं निकाल पाए वो, और ज़िगॉट को यहाँ पर है इन्फिनिटी की स्क्वाड की तरह। इनफैक्ट उबे के खिलाड़ी जो दो बचे हुए हैं उनके पास भी एक बढ़िया मौका, लेकिन वो उनका एंगल जो है रिवील को वहाँ पे मॉडल बनाया जाएगा, डाउन किया जाएगा, बट अब हंटर की बारी है। इट्स द टाइम जब हंटर वो अपना शाइन दिखा पाए। चलिए एक डीपीएस उनके हाथ में मौजूद, लेकिन इंस्टेंटली उनको टेक डाउन किया जाएगा। चिकन डिनर लिखा हुआ है इसके ऊपर, यहां से निकाल जाना चिकन डिनर, इट विल बी जस्ट मैजिकल, मतलब जादू से बड़ा जादू हमें देखने का मौका मिलेगा यहाँ। देख रहे हैं, उन्होंने देखा है प्लेयर को डैमेज देने की कोशिश, अच्छी खासी डैमेज डील की है उन्होंने, कंफर्मेशन की भी कोशिश किया बट वो हुआ नहीं। रेकनिंग ईस्पोर्ट्स लेके जाएगी आज का पहला विनर, विनर चिकन डिनर, और वो भी बहुत ही अच्छे प्रिसिजन। और अभी आप देखिए टीम इन्फिनिटी के पास एक बहुत बढ़िया पोजीशन, बेस्ट पोजीशन पॉसिबल वो हमें टीम इन्फिनिटी के पास देखने को मिलेगी, बट वी गॉट डाउन करेंगे कैनरी को, उनको भी डाउन किया जाएगा अक्षत के द्वारा। और देखते ही देखते मेगन की शॉट में यहाँ पर देखने को मिल सकता है, अक्षत बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी है, हील करने की जरूरत पड़ेगी, हालांकि ब्लू जोन को आउट कर सकते हैं। अब गॉडलाइक की जो फाइट है वो भी स्टार्ट हो गई है, उसके साथ जहाँ पे एक बढ़िया स्प्रे जाएगा, एक खिलाड़ी को ऑलरेडी वहां पे टेक डाउन किया गया है, और पीछे से वो जो ब्लू जोन का प्रेशर है वो भी आ रहा है, टीम गॉडलाइक काफी ज्यादा मुश्किलों में देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी दो खिलाड़ी डाउन हो चुके हैं, वी गॉड ने वहां पे अक्षत को फिनिश किया, ओमेगा वो डीपीएस का शॉट आएगा, शैडो को वो डाउन करेंगे, आईजेल वर्सेस आईजेल की वो फाइट, लेकिन अब डीओ आगे बढ़ेंगे। क्लच गॉड वो वल्नरेबल सिचुएशन में, क्योंकि बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी वो ऑलरेडी आ चुके हैं, एक बुलेट का कनेक्शन और वो आएगा भी, गॉडलाइक के मात्र एक खिलाड़ी बचेंगे, स्पॉट किया जाएगा, डाउन किया जाएगा नियो, एक और बेहतरीन गेम प्ले पर आए थे, बट एक वीकल में तीन खिलाड़ी, एक कभी भी बेहतर रहता नहीं है, कुछ स्प्रेज आएंगे, इंस्टेंट नॉकआउट हमें देखने को मिल सकते हैं। मिस्टर स्प्रे वो हील करने के लिए जा रहे हैं, जस्टिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी है, बट उसके बावजूद वो स्प्रे देने की कोशिश कर रहे थे, नॉकआउट हो जाएंगे प्ले जोन के द्वारा, और अब स्क्रेल्स वो आगे भाग तो रहे बट शायद इनफ होगा नहीं, वो भी टेक डाउन। फाइनली और ईस्पोर्ट्स के पास एक बेटर सर्कल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि के सेंटर के होने के बावजूद भी बगी के साथ ओमेगा आते हुए, बट डैमेज किस तरीके से पड़ेगा आप देखिए, दोनों ही प्लेयर यहाँ पे धाराशाही हो चुके हैं, जिसका फायदा
यहाँ पे रेकनिंग के प्लेयर्स उठा ही रहते, बट थर्ड पार्टीज की होड़ ऑलरेडी चालू हो चुकी है। जादू फिलहाल के लिए अपने टीम मैक्स वो रहेंगे जो कवर फायर में एक नॉक निकालेंगे, बट अब वो आखिरी खिलाड़ी बचे टीम इन्फिनिटी। कंसिस्टेंसी के साथ खेल ही रहते, उसका फायदा भी उठा रहे थे। अभी के लिए टीम एम्पायर भी देखते हैं, बहुत ही पोजीशन ओरिएंटेड टीम है। फिलहाल के लिए कुछ फाइट्स अच्छे भी लिए थे एम्पायर। आखिरी एक खिलाड़ी जादू बचेंगे, ज्यादा एचपी था नहीं एंड कोई परेशानी नहीं होते हुए यहाँ पे टीम इन्फिनिटी अपने नाम करते हुए चिकन डिनर। आई थिंक कल के शुरुआत के कंपैरिजन में पहला नॉकआउट निकाला गया था गॉडलाइक के द्वारा ही, एक बार के खिलाड़ी को उन्होंने नॉकआउट किया था। लेकिन मुश्किल ये है कि इस बार खिलाड़ी इतना ज्यादा फैले हुए थे ना कि कुछ खास कर नहीं पाए। और यहाँ पर देखिए ड्रीम्स ज़ीगॉड आए तो थे यहाँ पर जॉनसन को रिवाइवल देने के लिए, लेकिन उससे पहले ही ड्रीम्स का वो शॉटगन गोली बोला। ज़ीगॉड अभी भी कोशिश कर रहे, देखिए दो प्लेयर्स को उन्होंने नॉकआउट कर दिया है, बस दूरी बना के रखे है, बाकी दोनों प्लेयर्स अभी हील करने की जरूरत है। एक और कोशिश क्लच गॉड की एक 1v3 निकालने की, लेकिन हमारे की टीम गॉडलाइक चाह रहे कि जितने टाइम टीम फाइट में वो एंगेज कर पाए उतना ही उनके लिए बेहतरीन। फिलहाल के लिए मिडवेव के खिलाड़ी देखे टीम सेल्सियस के ऊपर काफी हावी हो रहे थे। वेनम को ऑलरेडी एक नॉक मिल चुका है, सही बात फ्यूरी की एक और नॉक वो भी निकाल चुके और सडनली यहाँ पे पासे पलट दिए गए। मिडवेव भारी मुसीबतों में, बहुत ज्यादा मुसीबत में जा चुकी है, क्योंकि देखिए यहाँ अनएक्सपेक्टेड था कि इतने क्लोज क्वार्टर में मिडवेव जा गया था। एंड फिलहाल के लिए ग्लैडिएटर्स के आंखों में धूल झोंकते हुए यहाँ पे जस्टिन आ पहुंचे टीम इन्फिनिटी के खिलाफ। ये फाइट लेना चाहते हैं, क्लाउडी छोटे से शैक के अंदर मौजूद तो है, क्लाउडी के ऊपर शॉट भी पड़े, डेल्टा ये नॉक निकालेंगे, बट क्या ट्रेड ऑफ आ पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हंटर पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन खेला था, कोशिश करते हुए नजर आ रहे। एचपी यू नो ज्यादा नहीं है, जिसका लाभ डेल्टा को मिलते हुए एक और बेहतरीन नॉक निकाला है, बट अकलौते बचे बट काफी होंगे इस शानदार क्लच के लिए। घुसने की कोशिश करते सेंटर सर्कल में, इंस्टेंट रोए जाके भारी पड़ते हुए एश का बेहतरीन यहां पर स्प्रे कनेक्शन आएगा, जिससे उनको एक नॉकआउट तो कंफर्म मिलेगा, दो नॉकआउट्स मिलेंगे और टीम एम्पायर अभी खतरे में आते हुए विज़गॉड जिसके कारण अभी भी सर्वाइव करने में सक्सेसफुल। और देखिए कैनेडी फाइनली विज़गॉड को डाउन करके शायद अपने टीममेट्स को यहां पर रिवाइवल दे पाए। दूर से अपोलो को कितना लो छोड़े हैं, नॉकआउट भी निकाला जाएगा, क्या फिनिश पॉइंट आएगा? जी नहीं, यहाँ पर एम्पायर की स्क्वाड एक चिकन डिनर की तरफ वॉक इन करते हुए नजर आ रहे हैं। ओबे के सिर्फ एक और प्लेयर बचते हैं, रेवेनेंट के सेंसे भी देखिए ब्लीड आउट हो रहे हैं, जोन के अंदर जाने की कोशिश करनी होगी और किसी तरीके से अगर डैमेज डील किया जाता है तो काफी फायदा रहेगा। मॉली आएगा कैनरी का फाइनली और इससे खत्म किया जाएगा रैंगटैन को। रैंगटैन #3 वेरी कंसिस्टेंट एल से, उनकी गेम जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और पहले मैच में उन्होंने गेम दिखा दिया है। इविल जोन का डैमेज ले रहे हैं लेकिन एम्पायर पीछे नहीं हटेंगे, रॉकस्टार आएंगे के जोन के एजेस पे और वो खत्म करेंगे ओबे के आखिरी खिलाड़ी को और ये चिकन डिनर आ जाएगा टीम एम्पायर के नाम। टीम के अंदर पहुंच चुकी है तो ब्रेक के आगे और कितना जा पाएंगे, लेकिन चीज इतने गैप गैप में अपने ड्रॉप को लेना तो ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। शॉटगन का फटका देने की कोशिश, नॉकआउट कर दिया गया, खत्म। मैं आपको हील कर रहे हैं फ्यूरी, देखना ये कि क्या वो क्लच कंप्लीट कर पाएंगे। ये उन्होंने फर्स्ट एड लगाया है और एक अलग टीम के लिए हंटर के ऊपर बेहतरीन स्प्रे आएगा सोमराज का। रॉय फाइनली नॉकआउट कंफर्म करेंगे, को कर दिया है वाइप आउट इस मैच से, मतलब ओरैंगुटान के लिए अभी भी फाइट बची हुई है, लेकिन एम्पायर पिछले मैच के बाद पीछे हट चुकी है। क्लोज रेंज कॉम्बैट ओबे ईस्पोर्ट्स के साथ साथ एक्सपार्क का, जहां एक्सपार्क के लिए भी जितना खतरा उनका रास्ता दिखा दिया है। काफी देर से उसको पता था कि एक टीम है जो वहां पर मौजूद है, बिल्कुल ईस्पोर्ट्स व्हीकल के साथ सीधे सर्कल के अंदर एंटर करने की कोशिश, जहां पे इंसेन ऑलरेडी गेट कीप कर रही है, स्वागत खुली बाहों के साथ किया जाए जरूर है। व्हीकल रनओवर करने की कोशिश और रॉबिन वो दिमागी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और इसी का फायदा उठाना चाहते हैं एक ओपी की, जब वो जोन में मूवमेंट दे तब डैमेज दिया जाए। 1 HP के साथ बैठे हैं देखिए वो, और उनको बगी से उतरने में मजबूर किया गया है, हेलमेट को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, एक ओपी को कर गया है नॉक। हर्ष का बेहतरीन बेहतरीन प्ले आता हुआ, 8 फिनिश पॉइंट आ चुकी है इनसेन के पास भी और न्यूबन किसी तरीके से इन सब में शांत बैठी हुई है। गॉड्स के रॉबिन कर रहे हील बैटल इनसेन के आदि, फिर से एक और पॉइंट निकालने की कोशिश रॉबिन के ऊपर, डैमेज लेकिन जोन से ही खत्म हो जाएंगे। उस फ्लैंक के ऊपर ध्यान डालना पड़ेगा रेवेनेंट को, अगर उस फ्लैंक को रीड नहीं किया रेवेनेंट ने तब जाके उनके लिए मुश्किलें रहेगी। इनसेन एक प्लेयर जोन के अंदर आ चुके हैं, देखिए फियर्स को नॉकआउट आईडिया है कि देखिए फिनिश पॉइंट मिले तो मिले, लेकिन इनसेन को अभी रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उनका जो लेफ्ट हैंड साइड फ्लैंक है वो ओपन हो जाएगा। बिलीव भी पीछे से एंट्री मारने के लिए है तैयार और यहां से खतरा बढ़ सकता है। अपोलो को कर दिया गया है नॉकआउट, इनसेन भी हो चुके हैं नॉक, मतलब ये भी एक रिटर्न में मॉली आई है, कनेक्शन नहीं मिला लेकिन उस मॉली का, और पीछे एमजे फॉल बैक करते हुए नजर आ रहे, कायू के कवर में मौजूद, आदि आएंगे फियर्स को खत्म करेंगे। एमजे अकेले हैं जो कुछ भी कर सकते हैं।
फिनिशेस वो अपनी टीम के लिए लेके गए। रवि के 6 फिनिशेस उन्होंने निकाले, तीन गाड़ियां एक साथ उनके ऊपर आएंगी और वो सारी गाड़ियों को डॉज करेंगे। व्हाट अ प्ले, बट इसी बीच दो प्लेयर्स ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। अब एक 2v2 की फाइट हमें देखने को मिल जाएगी। टीम रेवेनेंट के पास एक मौका है वापस से कमबैक करने का, लेकिन इंस्टेंटली शट डाउन किया जाएगा। मात्र एक खिलाड़ी अब शेष, उनके सामने 1v2 की वो चुनौती रहने वाली है। डैमेज दिया, लेकिन सामने से दो खिलाड़ियों का फायर आएगा। एलिमिनेशन टीम रेवेनेंट का, और इस मुकाबले में एक बढ़िया कमबैक है नहीं, बट उसके बावजूद वो टॉप डॉग को ढूंढते हुए नजर आएंगे। टॉप डॉग ने फाइनली एक प्ले लिया, बट मैक जहां पर वो छुपे वो बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स रोटेट करते हुए आई थिंक ट्रॉय ने पूरा इन्फॉर्मेशन जो है मैं कहूंगा रिले भी कर दिया है। और ये देखिए विनी 14 के साथ ऑलरेडी एक शानदार कमला बॉय ने उनको स्पॉट कर लिया है। सीक्रेट अब देखिए इसे मुश्किलात में आ सकते हैं, बट ट्रॉय ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं कि एक के बाद एक लेफ्ट राइट आगे एडवांटेज उनके पास। यहां ध्यान लाना चाहूंगा दर्शकों का कि अब वो हाई ग्राउंड एडवांटेज है नहीं, बट फिर भी कमला बॉय जिस पोजिशन पे मौजूद थे भारी भरकम डैमेज उन्होंने दिया है। ट्रॉय को गवा चुके हैं, 7 फिनिशेस निकाल चुके हैं और लगा कि अगर ट्रॉय गए तो मैं वापस से ऊपर की चढ़ाई करने वाला। और देखिए किस तरीके से गिरे और इसका पूरा फायदा मुझे लगता है ओआर स्पोर्ट्स उठाएंगे। मैं बस पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों गमला बॉय आपको बिल्कुल एंड सर्कल में क्या जरूरत पड़ गई इतना ऊपर जाने की, वो भी सारी टीम्स के सामने। ये एक गलत डिसीजन था जरूर, टीम एंटिटी का एलिमिनेशन हमें यहाँ पर। खिलाड़ी और एडमिनों ने देखिए एक नॉक निकाल भी लिया है। आखिरी बचे खिलाड़ी रॉनी उनके तरफ ऑलरेडी आगमन करते हुए मैक्स और मैक, एंड किसी तरीके से उनको भी खत्म किया जाएगा। और इसी के साथ ओआर ईस्पोर्ट्स फाइनली करते हुए एक बेहतरीन, यहाँ पे वो जो जिद्दीपना टीम सेल्सियस के खिलाड़ियों के द्वारा देखने को मिला था इसका लाभ शायद प्राप्त हो सकता है। और ये देखिए स्मार्टली खेल रहे, उनको पता है एक डिवेस का फटका काफी रहेगा। ग्रेनेड को करके बेट आउट किया है उन्होंने, 18 बुलेट से बस फ्यूरी के पास और कवर फिलहाल के लिए आएगा। आलतू भी आ चुके हैं, ये कवर बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। फ्यूरी के पास एक गेम में बुलेट खत्म, स्विच किया उन्होंने स्कारल पे, जैसे अपने कर्ज लगा दिया है फिक्सिस, तो आलतू को तो नॉकआउट कर दिया गया है। आलतू जलालतू चाहे कितनी भी बातें हम करें फालतू, लेकिन मानिया को भी प्ले अगर साथ में पुश करते हैं आल्टू और पैंटम फायदा रहेगा। ग्रेनेड का टॉस आउट, डैमेज पड़ेगा एक्वानॉक्स को बहुत ज्यादा और फ्यूरी नेट कुक करके हाथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगर नेट सही तरीके से पड़ा जो कि मुझे लग रहा है कि पड़ेगा भी, एक नॉकआउट कम से कम मिलेगा, मिल चुका है। नकुल को किया गया है नॉकआउट, इस पावर अकेले बचे हुए हैं। बॉयज आप देखिए ड्रीम को खेलने की कोशिश, रैंगुटान यहाँ पे भारी भरकम दबाव और एश बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। एचपी काफी कम है, पूरा भार फिर से पुकार के ऊपर और उनकी ललकार क्या हमें सुनाई देगी स्मोक के अंदर। काफी सारे शॉट लिए गए, इनफैक्ट विस्कॉर्ड को वहां पे नॉक किया, बट क्या फिनिश करने में सक्षम होंगे? पुकार रिलोड करना पड़ेगा, इसका फायदा तो उठा लिया है, बट क्या एश सर्कल के अंदर जा पाएंगे? द आंसर इज यस, पहुंच गए। वो बहुत ही क्विक मूवमेंट था, लेकिन नियो वो एक शॉट से स्लैमिंग करके कंट्रोल दिखाना चाहते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। टीम तमिलास उनको जोन के अंदर जाना पड़ेगा, जोन के अंदर पहुंच चुके हैं वो, लेकिन रेकनिंग के प्लेयर्स काफी ज्यादा चौकन्ने हैं और टीम तमिलास अभी के लिए तो मैदान को साफ कर रहे हैं। लेकिन टीम तमिलास वो कंट्रोल लेने के बाद क्या करेंगी, क्योंकि जोन उनसे फिर से हट चुका है। ऊपर एक रोक लगाए हुए बैठे हैं और रैंक टाइम के देखिए खिलाड़ी एक दूसरे से कितने दूर है। रही बात मिस्टर आईजीएल की, इसका फायदा वो उठाते हुए अपने आईजीएल को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक बचा नहीं पाएंगे जब तक कि वो एक से बढ़कर एक गेम यहां पर पलटे ना अपने नाम स्प्रे देने की कोशिश। ड्रेगर की पोजीशन है रिवील, मैक्सी प्री फायर देने के लिए आए थे बाहर, लेकिन ड्रेगर रीलोड कर रहे, स्प्रे डाल रहे, रीलोड कर रहे, स्प्रे डाल रहे। मौली जाएगा जगह पे, मैक्सी फाइनली आगे आते हैं, खत्म करेंगे वो ओजी के इस पूरे के पूरे क्वार्टर को, अभी अपने नाम कर चुके हैं जरूर। लेकिन ओआर स्पोर्ट्स को देखिए वो जोन के अंदर कुछ ही देर में पहुंच सकते हैं। मार्कोस गेमिंग के ऊपर उन्होंने पुश किया, खत्म कर दिया और टीम तमिलास भी बाहर हो जाएंगी। रेश में तब्दील भी उसको किया है, बट रेकनिंग के प्लेयर्स ने सब कुछ स्पॉट कर लिया है और किसी भी क्षण इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। बट ओआर बिल्कुल भी निडर बेबाक, जिस तरीके से फंसे उसके साथ फिनिशेस की इन्होंने लड़िया लगा ली। एक और डॉज इनके तरफ से देखने को मिलता हुआ और गिल का विनाश भी करते हुए नजर आएंगे। स्टेटमेंट रखना चाहते हैं, एडमिनो के पास है गोलियां कम, ब्रेक की जरूरत है सख्त, उनको युवा ओपी को खत्म कर दिया जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। एस ब्लैक बस एक कवर के पीछे छुप के बैठे हुए है, यहाँ से उनको कुछ करके दिखाना मतलब जादू के बराबर, लेकिन वो जादू आएगा नहीं। यहाँ पर आलतू बस यहाँ पर एक बार इमोट हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्या वो करेंगे इमोट, क्या वो करेंगे इमोट,
नहीं लगता है मुझे, भागम भाग कर रहे हैं। 30 गोलियां है उनके पास M4 की, थोड़ी गोलियां चलाई, वापस कवर में आ गए। एंड देखिए इमीडिएटली एडमिनो और चेली दोनों देख रहे थे कि भाई कहां से गोलियां पड़ी, चेक कर रहे थे वो जरूर, लेकिन ओ आर ई स्पोर्ट्स।